हाई रील शूट करेगा, जैसे अपना ये काला सांड और गांव की लैंग्वेज में भैंसिया। फिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। और ये है भाई स्केला फैक्ट्री, काले के कच्चे। यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं भाई गरीबपुरवा के अंदर। भाई हाय फैमिली, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई रील शूट करने के लिए, लोकेशन देखने के लिए भाई कहाँ की लोकेशन सही रहेगी भाई ब्लॉग वो रील शूट करने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग भाई पूरा मेंटेन होके निकल चुके हैं भाई, बाकायदा चश्मा वश्मा लगा के भाई चेक कर देते हो आप लोग भाई। तो एक नंबर हम लोग लग रहे हैं भाई, आप लोग कमेंट करके बता देना। आप लोग तो बोलोगे नहीं, हम लोग इसीलिए बोले थे तो मोटो ब्लॉग चेक करो भाई और चलते हैं रील शूट करते चल के भाई को ले चल रहे। भाई रील शूट करेगा तो इंस्टाग्राम पर देख लेना भाई आप लोग, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई। तो भाई चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है भाई आउटसाइड एरिया वगैरह। तो यहाँ पे भाई साइड में मतलब दुकानें वगैरह नहीं है, तो यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे भाई लोकेशन वगैरह भाई कहाँ पे मतलब ग्रीनरी वगैरह होगी ज़्यादा और अच्छा व्यू आएगा जिसमें रील में भाई। और इसीलिए हम लोग धूप में आए क्योंकि भाई अपने पास क्वालिटी अच्छी नहीं आती, रात में अगर शूट करते तो बिल्कुल क्वालिटी गिर जाती है भाई वीडियो की। तो इसीलिए भाई यहाँ पे देखो इतना मस्त व्यू आ रहा है और सनसेट भी होगा अभी थोड़ी देर बाद। तो उसी के लिए भाई थोड़ा हम लोग जल्दी से आ गए भाई, तो उसी के लिए यहाँ पे जब शूट करेंगे तो क्वालिटी वीडियो की अच्छी आएगी और रात हो जाती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो इधर भाई देखो इतना मस्त यहाँ पे लीन टाइप का है पराठा आ रहा भाई। तो ये चेक करो भाई यहाँ पे ब्रेकर है क्या? नहीं, हमें लगा ब्रेकर है गाइस। तो इधर ही कहीं पर शूट करेंगे बस। ये जो है थोड़ा रोड चल रही, काश सन्नाटा होता है यहाँ पर भाई तो अच्छा व्यू आता अपना। यहीं कहीं पर देखते हैं भाई अच्छी सी। तो वहाँ पर एक मुझे लग रहा है अच्छी सी यहाँ पे एक लोकेशन है, तो वहाँ पे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं भाई कैसी क्या लोकेशन है। टूटी फाटी अच्छी नहीं लग रही, ग्रीनरी नहीं मतलब गांव साइड। देखो यहाँ पे गाइस कुछ खास नहीं लग रहा है और कुछ खास नहीं है। तो गाइस आगे देखते चल के भाई, यहाँ पे कुछ खास नहीं लग रहा है वैसे देखने में। एक तो रोड यहाँ की अच्छी नहीं है और धूप वगैरह यहाँ पे नहीं, क्योंकि भाई धूप में क्वालिटी जितनी अच्छी आती है उतनी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे आगे एक पुलिया टाइप की है, वहाँ पे देखेंगे भाई कैसी क्या क्वालिटी आती है। मुझे दो तक रील शूट करनी है तो देखेंगे भाई कहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे शूट करेंगे, क्योंकि एक ही लोकेशन पे अच्छी नहीं लगती है मेरे ख्याल से। यहाँ पे भाई ये जो है ये सीधी रोड है और यहाँ पे थोड़ा मतलब लीन टाइप का, वहाँ पे तो अच्छी सी रील शूट हो जाएगी एक। तो अभी देखते हैं भाई जहाँ पे थोड़ा इधर थोड़ा हरा भरा है और इधर साइड में थोड़ा आउटसाइड टाइप का, तो इधर से एक शूट कर लेते हैं यहाँ पे तो अच्छा, इधर से सनसेट भी लगेगा सूरज टाइप का मतलब साइड में। तो यहाँ पे साइड में रोकते हैं गाइस और एक शूट करते हैं रील भाई। तो गाइस अभी हम लोगों ने ये लोकेशन डिसाइड की और ये अपना भाई काला सांड प्यारा सा भाई इसको रोड के साइड में लगा दिया भाई। देखो कितना मस्त भाई हम लोगों ने टेपिंग वगैरह कराई, ये भाई कंपनी से होके आई थी और ये टायर पे हम लोगों ने टेपिंग कराई थी भाई, एक नंबर लग रहे। और लोकेशन चेक करो भाई इतनी मस्त हो रखी है। तो अभी अपनी रील वगैरह शूट करते हैं, सिनेमैटिक चेक करो भाई। मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना, वो मेरा साथी मेरे साथ ना, वो मेरा साथी मेरे साथ ना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे भाई, लोकेशन चेक कर लो। यहाँ पे एक उधर रील शूट किया भाई और एक इधर यहाँ पे थोड़ी बहुत शूट किया और ये खड़ा अपना काला सांड भाई। कम से कम दो तक शूट कर लिए हैं और बाकी बाद में शूट क्या करेंगे, पास ही में है ज़्यादा कुछ दूर नहीं है भाई। तो उधर एक वहाँ पे शूट किया और अब जा रहे भाई घर। आप लोग मोटो ब्लॉग इन्जॉय करो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई, अब बाकी जब रील शूट करनी होगी तो बाद में आएंगे भाई। कुछ खास मतलब लोकेशन थी वहाँ पर इतनी कुछ खास नहीं थी जितनी यहाँ पे थी। यहाँ पे कुछ मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जो बोले कमी है भाई। और भैंसी देखो भाई आ रही है इतनी शुद्ध भाषा भैंसी। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। जैसे अपना ये काला सांड और गांव की लैंग्वेज में भैंसिया। तो गाइस रुक जाए भाई, इनका कोई भरोसा नहीं, कहाँ से कौन हमला। भाग भाग जल्दी भाग जल्दी जल्दी शाबाश। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई, काफी टाइम हो चुका है, सनसेट देखो कितना मस्त हो रहा है भाई। और अब यहाँ से घर जाएंगे, उसके बाद भाई अपना बाकी थोड़ा बहुत घर का काम करना है वो भी करेंगे। और अब शायद ये ब्लॉग तो मैंने शूट कर लिया भाई, अब इस ब्लॉग को आज एडिट करेंगे जाके, फिर शायद कल शाम को ये वाला ब्लॉग आएगा भाई। तो देखना, और जिनको रील देखनी है भाई इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर दिख जाएगी साइड में और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी है, वहाँ से जाके भाई फॉलो कर लेना। तो वहाँ पे भाई तगड़ी तगड़ी रील थ्रू एडिट करेंगे फिर वहाँ पे डालेंगे भाई। और ये है भाई स्केला फैक्ट्री,
केला फैक्ट्री गाइस। तो यहाँ पे कच्चे केलों को पक्का किया जाता है भाई काले के। अबे साले गाइस, अभी हम लोग यहाँ से आउटसाइड से निकल चुके हैं। तो गाइस यहाँ से जो आरसीसी रोड आप लोगों को दिख रही है, यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं भाई गरीबपुरवा के अंदर भाई। तो इसका नाम है भाई गरीबपुरवा, सबसे यूनिक नाम मुझे लगता है गरीबपुरवा कुछ भी। तो ये कुछ खास बड़ा नहीं है गाइस, मेरे घर के पास ही में ही है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप लोगों को बता देते हैं कहाँ पे खत्म होता है। और यहाँ पर मेरे मोहल्ले की बाजार लगती है गाइस, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें मिलती हैं, वो ब्लॉग में नहीं बता सकते हैं गाइस, समझ रहे हो। तब चलते हैं घर भाई, टाइम हो गया। तो यहाँ पर ये गरीबपुरवा है जो आगे वहाँ पे खत्म हो जाता है गाइस। तो गाइस राइड करने के बाद हम लोग निकल गए थे भाई सावरिया आइसक्रीम के पास। वहाँ पे भाई कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था, तो वहाँ पे भाई मैंने ली कोन और भाई ने लिया बादाम से। भाई खाते हैं और एंजॉय करते हैं भाई। तो गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, वीडियो देख ले, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तबाही ब्लॉग में। तो गाइस घर जा रहे भाई, अब हम लोग घर जा रहे भाई। तो अरे रुको, फील आए रुको।